जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है एग्जाम शक्ति। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पार्ट टू है एसएससी मैराथन का, जो कि हम लोग देखे हैं, जिसमें से सारा का सारा 2019-20 में जो आया हुआ क्वेश्चन है, जितने भी ये दो साल में एसएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारा का सारा हम लोग ले कर चल रहे हैं, जो कि टोटल 1200 प्लस का सेट है, जिसमें से हम लोग कल 400 प्लस क्वेश्चन बना चुके थे पार्ट वन में। ये हमारा पार्ट टू है। आज हम लोग 700 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे और कल तक हमारा ये सारा पार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है बताइए। देखिए, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जो कि पिछले आए दिन एसएससी के एग्जाम में लिया गया, जैसे सीपीओ हो जाए, सीएचएसएल है हो जाए, सीजीएल हो जाए, एमटीएस हो जाए, जीडी, सीपीओ, दिसंबर का जो हुआ था सीपीओ का एग्ज़ाम, जो जनवरी में हुआ था सीपीओ का एग्ज़ाम, ये सारा का सारा जो क्वेश्चन उसमें आया है, जो 25-25 जो जीके है वही जीके है, उसमें से जो करंट अफेयर जो लेटेस्ट वाला होगा वही इसमें आएगा, ना कि ये मत सोचिएगा कि करंट अफेयर भी वही रिपीट हो जाएगा। नहीं, करंट अफेयर वो क्यों लेंगे, वो सब पिछले एग्जाम में आया था, उसमें जो क्वेश्चन है मेन जीके का, करंट अफेयर छोड़ के वो सारा का सारा क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ जीके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर हमारा होगा कलसुभाई शिखर। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द वगेला डायनेस्टी ऑफ गुजरात आफ्टर उज डिफीट द किंगडम वॉज पास टू अलाउद्दीन खिलजी? बताइए, गुजरात का सबसे अंतिम शासक कौन था जिसको हरा के अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर कब्जा किया था? तो वो था करण देव। डैश इज वेल नोन फॉर द गोल्डन ब्यूटिफिकेशन ऑफ द हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा इन अमृतसर, फेमसली नॉन एज द गोल्डन टेम्पल। बताइए, जो गोल्डन टेम्पल जो बना हुआ था उनका ये ब्यूटिफिकेशन के लिए सिर्फ बोल रहे हैं, जो गोल्डन ब्यूटिफिकेशन जो आकार दिए थे, ये जो उसमें बस मदद किए थे, तो बताइए कौन थे वो, और इसको बनाया कौन था? इसको बनाए थे सिख के पांचवें गुरु अर्जन देव ने। तो और ये गोल्डन ब्यूटिफिकेशन कौन किया था? तो ये किए थे रंजीत सिंह। दशाइन इज द ग्रैंडेस्ट फेस्टिवल इन, देखिए दशाइन कहाँ का फेस्टिवल है, तो ये है हमारा नेपाल का। ब्लू लिटमस पेपर टर्न डैश ऑन कॉन्टैक्ट विथ एन एसिडिक सॉल्यूशन, अरे कौन सा कलर देगा ब्लू लिटमस एसिड में? तो ये देगा हमारा रेड। नेम द टिश्यू डेट ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस ऑफ ए प्लांट, देखिए फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है वेरियस प्लांट के हर एक जगह में, तो वो करता है हमारा फोलम। अगर बोलेगा वाटर को, तो वाटर को कौन करेगा? वाटर को करेगा जाइलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पॉपुलर चैम्बर, बताइए इसमें से कौन सा पॉपुलर चैम्बर का नाम से जाना जाता है? तो है हमारा लोकसभा। व्हाट इज डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट पाउडर, ये कौन सा केमिकल प्रेजेंट रहता है? तो हमारा है सोडियम कार्बोनेट। द टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, तो डॉल्फिन किक क्या होगा? वो होगा स्विमिंग से। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव ए गवर्नर, बताइए कौन सा आर्टिकल हमें यह बताता है कि हर एक राज्य में गवर्नर होना चाहिए? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये, तो ये हमारा आर्टिकल है 153। विच इंडियन बैट्समैन वॉज द फर्स्ट टू हिट 6 कंजिक्यूटिव सिक्सेस इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, देखिए पूछ रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6 छक्का मारने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो वह है हमारा रवि शास्त्री। थर्ड एंग्लो मराठा वार इंड ऑन, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध कब खत्म हुआ था? बताइए, तो ये हुआ था 1818 में। व्हाट इज डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्सुपियल्स, देखिए मार्सुपियल एक, आप गूगल पे सर्च मारिएगा इसके बारे में, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये बस याद रखिएगा, ये द कैरी यंग वन इन पाउचेज, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेट,
गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह हमारा चाइना, फिर दूसरे नंबर पे इंडिया है। ये हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग बायोलॉजी की क्लास में पढ़े हैं, जो कि पूरा 800 प्लस क्वेश्चन की हमारी बायोलॉजी ख़त्म हुई थी उस वाले में। हम लोगों ने ज्योग्राफी में हम लोग सारा का सारा ये ज्योग्राफी में पढ़े थे। 800 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है ज्योग्राफी की, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने बायोलॉजी ख़त्म कर लिया है पूरा, फिजिक्स ख़त्म कर लिया। जिन्होंने नहीं देखा है हमारा हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए, नियासी ट्राइब बिलोंग टू विच स्टेट, बताइए नियासी एक ट्राइब है, कौन से स्टेट से बिलोंग करती है ये? कौन से स्टेट से बिलोंग करती है ये? बिलोंग करती है अरुणाचल प्रदेश से। देखिए, इसमें आपसे सिंपल से पूछ रहा है कि रजत है हाइपरमेट्रोपिया, व्हाट टाइप ऑफ लेंस विद ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट रिकमेंडेड टू करेक्ट हिज विजन। देखिए, हाइपरमेट्रोपिया जिसको होता है वो कौन सा लेंस लगाएगा तो ठीक हो जाएगा? तो वह हमारा कन्वेक्स लेंस लगाएगा तो ठीक हो जाएगा। और अगर जिसको मायोपिया होगा तो वो कनकेव लेंस है। डैस हैज़ बिन स्टेबलाइज द एनुअल इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, कब होता है, कब मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस? तो ये बनाया जाता है 20 मार्च को। और अभी हमारे हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो रैंक है हैप्पीनेस इंडेक्स में वो है 144, ठीक है, याद रखिएगा। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन, बताइए। देखिए, ये सारा क्वेश्चन हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं, तो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन से राज्य का है? तो राज्य हमारा गुजरात। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू द बैटल ऑफ कोहिमा एंड इम्फाल वेयर फाउट इन द ईयर, वर्ल्ड वार टू के दौरान जो बैटल हुआ था कोहिमा और इम्फाल का, तो कौन से साल हुआ था? हुआ था 1944 में। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन द श्रीलंका रत्न अवार्ड, बताइए श्रीलंका रत्न अवार्ड किसे मिला था? आप इसको याद कर सकते हैं रामायण के तरीके से, तो वो मिला था नरसिम्हन राम जी को। हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, बताइए कौन करेगा? तो करेगा हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा। द टर्म डैश इज प्रीफिक्स टू साइंटिफिक टर्म टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट के लिए यूज होता है, तो सबको पता है आइसो। जामदानी बुनाई आर्ट स्टार्टेड इन विच कंट्री, ये कौन से कंट्री में जामदानी बुनाई स्टार्ट हुआ था? तो कंट्री है हमारा बांग्लादेश। इन विच ईयर वॉज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर्मली स्टेबलाइज, कौन से साल UGC फॉर्म हुआ था? ये सारा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, पिछले साल के एग्जामों में ये किया होता 1956 को। वेन वॉज इंडिया सुपर लीग स्टार्टेड, देखिए ISL जैसे IPL 2008 में स्टार्ट हुआ था, तो उसी तरह ISL का भी स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था 2013 का, जो कि फुटबॉल लीग है ये। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट, देखिए जो प्रेसिडेंट को जो अधिकार मिलता है लोकसभा में दो आदमी को एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का, तो ये पूछ रहे हैं कौन से आर्टिकल में ये प्रावधान है ये, तो हमारा ये आर्टिकल है 331। बर्मा बिकम इंडिपेंडेंट सोवरेन पब्लिक इन द ईयर, देखिए बर्मा कब इंडिपेंडेंट सोवरेन बना था? 1 साल के बाद हमारे, तो 1948 को। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नेशनल बर्ड ऑफ चाइना, इंडिया का तो पिकॉक है लेकिन चाइना का क्या है? क्या है? रेड क्राउन क्रेन, ये देखिए चाइना का झंडा पूरा लाल होता है, तो उस तरीके से आप वर्ल्ड बर्ड को याद कर सकते हैं कि रेड क्राउन क्रेन।
व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ द डेडली पॉइजन साइनाइड। आपको ऑप्शन से पता कीजिए, देखिए कोई भी क्वेश्चन हो आप ऑप्शन देखिए कि किस तरीके से दिया हुआ है। तो साइनाइड का पूछ रहा है, अब बताइए कभी आप नाम सुने हैं क्या सल्फ्यूरिक एसिड का साइनाइड के साथ ये हो सकता है इसका नाम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, नाइट्रिक एसिड नहीं, तो बचा कौन ये? तो परोसिक एसिड। द टर्म ब्लड मून इज यूज टू रेफर, किसके लिए यूज किया जाता है ब्लड मून? ये किया जाता है लूनर एक्लिप्स के लिए, चंद्र ग्रहण। मित्र मेला वाज ए रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय वीर सावरकर इन द ईयर। देखिए मित्र मेला एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था जो कि वीर सावरकर जी ने फॉर्म किया था, किस वर्ष पूछ रहा है? तो यह है 1900 को। हाउ मैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर इन इंडिया, कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं हमारे पूरे भारत में? मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब वो एयरपोर्ट जो कि फॉरेन, जहाँ से जिस जगह से हम लोग जा सकते हैं उसको बोलते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऐसे तो बहुत सारा एयरपोर्ट है, लेकिन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट डायरेक्ट वहाँ से फॉरेन जाए, वहाँ पे रुके, जो स्टे करे, सब जहाँ प्लेन आके जहाँ पे रुके रुकता है, तो उस टाइप का एयरपोर्ट पूछ रहा है। तो ये कितना है? यह 17। विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बॉर्डर है सबके साथ? तो हमारा भारत का तो 7 कंट्री के साथ है, लेकिन सबसे ज़्यादा है चाइना का। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गिवन द टाइटल कियादे आज़म, किन्हें बोला जाता था कियादे आज़म, कायदे आज़म? तो वो थे हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब। डैश गैसेस ट्रैप हीट इन द एटमोसफियर विच मेक्स द अर्थ वार्मर, काउज ग्लोबल वार्मिंग, बताइए। तो कौन सा गैस है? तो हमारा ग्रीन हाउस गैस। आइडेंटिफाई द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है? तो है हमारा वॉलीबॉल। विच ह्यूमन बॉडी पार्ट कैन वेल बी कॉल्ड द केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी, किसे बोला जाता है केमिकल फैक्ट्री हमारे शरीर का? बोला जाता है लीवर को। मार्केट प्लेस इन विच ए फाइनल गुड्स और सर्विस इज बाउट एंड सोल्ड इज कॉल्ड, प्रोडक्ट मार्केट। ओपियम वार वेयर फाउट बिटवीन द ब्रिटिश एंड, किस किस के बीच हुआ था ओपियम वार? देखिए ऐसे तो सबसे ज़्यादा ओपियम जो है अफगानिस्तान में है, ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ ओपियम वार नहीं हुआ था, ओपियम वार हुआ था ब्रिटिश और चाइना का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट जॉर्ज इन द वर्ल्ड, ये बताना है कि डीपेस्ट जॉर्ज इन द वर्ल्ड क्या है, कौन सा है? तो यह है काली गंडे की जॉर्ज जो कि चाइना में है। बोथ हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन रिक्वायर डैश फॉर फॉर्मेशन, किसकी कमी से? तो क्या रिक्वायर करता है ये? आयरन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान डेट ओरिजिनेट फ्रॉम लेक मानसरोवर, देखिए मानसरोवर से 3 नदी का उद्गम स्थान है, तो कौन कौन सा है वो? सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्रा है और सतलज है, ठीक है। तो SBI याद रखिएगा, SBI, ये 3 नदी जो है लेक मानसरोवर से निकलता है, सतलज, ब्रह्मपुत्रा और इंदज, ठीक है। तो ये पूछ रहा है तो लेक मानसरोवर से कौन आता है? तो इंदज सबसे बड़ा नदी है। ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक दैट डील्स विद देयर कंपोजिशन टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर देयर अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर ओरिजिन इन रिलेशन टू फिजियोकेमिकल कंडीशन इज कॉल्ड, देखिए कुछ नहीं पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि जो रॉक जो होता है, पत्थर जो होता है, उसके स्टडी को क्या बोलते हैं? तो उसी में जितना भी कंपोजिशन, उसका स्टाइल, स्ट्रक्चर पढ़ने का सब तरीका को करने का, उसको
बस क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं पेट्रोलॉजी। बस ये भी याद रखिएगा ना, ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक तो पेट्रोलॉजी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द पुर्तगीज इन द, देखिए ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को कौन से युद्ध में हराया था, तो कौन से युद्ध में हराया था, सुवाली के युद्ध में, सुवाली के युद्ध में, याद रखिएगा। हाउ मेनी प्रोविंसेस आर देयर इन श्रीलंका, कितने प्रोविंस है श्रीलंका में, नेपाल में तो 7 है, श्रीलंका में कितने हैं, तो यहाँ पर 9 है। और श्रीलंका में कितने पार्लियामेंट सीट हैं, तो 225। टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइन द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन द ईयर, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कौन से वर्ष साइन हुआ था, तो ये हुआ था 1784 में। इन इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट, ये कौन सा आर्टिकल हमें ये सुझाव देता है कि नया स्टेट होना चाहिए, इसको फॉर्मेशन का, तो आर्टिकल 3, मतलब कोई भी नया प्रोविंस, कोई भी आप नया राज्य बना सकते हैं, ये हमारे आर्टिकल में लिखा गया है। व्हेन वाज द बैटल ऑफ तुक्का रॉय फाउट, तुक्का रॉय का बैटल बताइए कौन से वर्ष लड़ा गया था, तो लड़ा गया था 1575 में। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हम लोग फिजिक्स क्लास में देखे थे, टेस्ला। व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म्स, तो ये इकोनॉमिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म्स को बढ़ाएंगे, तो हमारा जो GDP होगा ये बढ़ेगा। व्हाट इज द अदर नेम फॉर ओरियन कंस्टिलेशन, तो ये ओरियन कंस्टिलेशन का दूसरा नाम क्या है, हमारे टोटल कितने ओरियन कंस्टिलेशन, अगर आपसे पूछेगा कितने हमारे कॉन्स्टिलेशन है, तो 88 कॉन्स्टिलेशन है। जब पूछा ओरियन कंस्टिलेशन का नाम क्या है, ये नाम है हमारा इसका हंटर। इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज द लूसिए डायलैक्ट स्पोकन, ओके लूसिए डायलैक्ट स्पोकन कौन से राज्य का भाषा है, तो ये भाषा है मिजोरम का। इन पार्लियामेंट हु टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन वेदर ए बिल्स इज ए मनी बिल और नॉट, संसद भवन में कौन ये फाइनल डिसीजन लेगा कि वो बिल जो है धन विधेयक बिल है कि नहीं है, तो कौन लेगा, वो लेगा स्पीकर। रेहू की खी और कौरी सॉल आर ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ, देखिए किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ये सब भर भर के पूछता है, फोक डांस, देखिए ये सब टॉपिक फोक डांस हो गया, ये पूरा पढ़ लीजिए, हर एक राज्य का कम से कम 3 से 4 फोक डांस पढ़ लीजिए, फेस्टिवल पढ़ लीजिए, ठीक है, ये बहुत एग्जाम में TCS जो है या TCS पैटर्न का पूछता है। रेहू के खाई और आप इसी में से भी देखिएगा तो आपको 20-25 याद हो गया होगा, अभी तक तो 30-35 क्वेश्चन इसी पे है, पीछे का जितना भी है 35-40 क्वेश्चन इसी पे है आधारित, जितना भी अभी जो ख़त्म हो जाएगा पूरा 700 क्वेश्चन अभी 2 पार्ट में, तो इसमें से आपको कम से कम 50-60 मिलेगा आपको फेस्टिवल के और ये इसके बारे में, तो ये इतना भी आप पढ़ लीजिएगा तो आपको दिमाग में ऑप्शन से उस तरीके से आप निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कहाँ का है, ये कुछ भी बना के बस ट्रिक से याद कर लीजिए, देखिए यहाँ भी कौरी सॉल बोल रहा है, तो काओ एक आया है, ठीक है, काओ एक जानवर है और एक नाग भी देखिए एक एनिमल है, तो काओ और नाग से आप रिलेट करिएगा, कौरी सॉल और रेहू की खी, कहाँ का है, नागालैंड का, ये देखिए ये याद कर लीजिए, जब पार्लियामेंट में 0 आवर होता है तो वही पूछ रहा है कि 0 आवर कब होता है, तो टाइम इमिडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर, जैसे क्वेश्चन आवर का सेशन ख़त्म होगा तो 0 आवर हो जाएगा।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया? देखिए ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया कौन है इसमें से, तो कौन है इसमें से ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, तो ये हमारा है ग्रैंड कैनियन ऑफ गांडीकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है। देखिए द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, देखिए सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट मतलब अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्ट में एकदम लास्ट, तो वहाँ पर जो ईस्टर्न पॉइंट होगा वही होगा, तो सबसे ईस्टर्न पॉइंट क्या है, तो वहाँ का एक गांव है तो उसी पे रख दिया है किवीतू, तो ईस्टर्न पॉइंट किवीतू है। अगर आपसे वेस्टर्न का पूछा जाए तो गहोर माता वेस्टर्न का है, ठीक है। अगर नॉर्थ का पूछा जाए तो इंदिरा कॉल, अगर साउथ का तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा ईस्टर्न का, तो किवीतू। द सह्याद्री माउंटेन रन फ्रॉम डैश कन्याकुमारी द साउदर्न पार्ट ऑफ साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है। तो सह्याद्री माउंटेन, तो सह्याद्री वाला रेंज इधर होता है पूरा हमारे भारत के, तो पूछ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो देखिए गुजरात से होते हुए ये पूरा जो कन्याकुमारी तक जाता है यह सह्याद्री माउंटेन, ठीक है। द अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्टेड बाय, अलीगढ़ मूवमेंट कौन स्टार्ट किए थे, कौन स्टार्ट किए थे बताइए, तो स्टार्ट किए थे सैयद अहमद खान। द फ्रेज बैंड योर बैक इज यूज्ड टू विच स्पोर्ट, बताइए द फ्रेज बैंड योर बैक कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। देखिए ये क्रिकेट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियंस वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ डाटिंगन हॉल स्कूल इन जापान, देखिए क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट था इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि जापान में ये जो स्कूल है इनके फाउंडर कौन थे, जापान में जाके ये स्कूल फाउंड किए थे। तो ये थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस फाउंडेड, बताइए क्या फाउंड किए हैं ये दोनों मिलकर, वो भी 1876 में, तो फाउंड किए हैं इंडियन एसोसिएशन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टेलेशन, ये बताना है आपको इसमें सबसे लार्जेस्ट जो है सबसे बड़ा कॉन्स्टेलेशन कौन सा है। बताइए कौन सा है, तो वह हाइड्रा। चेपू इज ए यूनिक कल्चरल सिंबल ऑफ, चेपू जो है किसका यूनिक कल्चरल सिंबल है, बताइए किसका है चेपू। ये चेपू साहब चाइना मत समझ लीजिएगा, चेपू क्या है नेपाल, नेपाल का है ये। हु अमंग द फ्लोइंग इज वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब किसी राज्य में सबसे ज़्यादा बार गवर्नर रह चुकी मतलब बहुत लंबे समय तक, तो कौन थी वो, तो वो थी हमारी पद्माजी नायडू जो कि बहुत मतलब सबसे ज़्यादा जो गवर्नर के पद पर रही थी तो यही रही थी सबसे ज़्यादा साल। और आपसे चीफ मिनिस्टर पूछा जाए तो वो है पवन चामलिंग जी। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ सारीगरी फाउट, देखिए मूवी भी आया था अक्षय कुमार का, तो कब फाउट हुआ था बैटल ऑफ सारीगरी, तो ये हुआ था 1897 को। बायोपा इज ए ट्रेडिशनल हेड गियर ऑफ ट्राइब्स बिलोंगिंग टू, बताइए बायोपा किसका है। देखिए ये सब है ना, ये सब सारा ट्राइब, ये सब ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है हमेशा, तो अरुणाचल प्रदेश का। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, बताइए कौन सा है पार्ट ब्रेन का जो ये कंट्रोल करता है ये तीनों चीज को, तो ये हमारा सेरेबेलम। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ बांग्लादेश, बताइए बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है। हम लोग श्रीलंका का पढ़े थे, कौन था, वॉलीबॉल। देखिए इसको कैसे आप याद कर सकते हैं श्रीलंका का, देखिए श्रीलंका के
जो है देखते होंगे वो नदी के किनारे बसा है, पूरे समुद्र के किनारे, इंडियन ओशियन, अरेबियन ओशियन के एकदम बीचों बीच में, छोटा सा मैप में। तो वहाँ पे आसपास समझ लीजिए बीच होगा, पानी किनारे देखते हैं बीच रहता है, तो बीच में देखते हैं सब कोई क्या खेलते रहता है, बीच पे वॉलीबॉल खेलते रहता है, देखते होंगे ज़्यादातर। तो आप उस तरीके से याद कर सकते हैं कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल है। और बांग्लादेश का पूछ रहा है, बांग्लादेश का देखिए, बांग्लादेश का क्या होगा, कबड्डी होगा कुछ, कबड्डी बांग्लादेश का जो हम लोग बचपन से खेलते हैं कबड्डी। विंड टरबाइन कन्वर्ट डैश एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, देखिए क्वेश्चन में हम लोग भी फिजिक्स में पढ़े हुए हैं। तो विंड टरबाइन किससे किससे कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, देखिए सबसे बड़ा पोर्ट कौन है भारत में, तो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इन विच मेडिकल कंडीशन इज द आई ऑप्टिक नर्व डैमेज एंड द कंडीशन वर्सेंस ओवर टाइम, बताइए कौन सा ऐसे इसमें आँख का बीमारी है जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है अंदर का, तो कौन सा बीमारी में होता है, कैटरेक्ट में नहीं होता है, ड्राई में नहीं होता है, इससे नहीं, तो ग्लोकोमा एक बीमारी आँख का, इसमें हमारा ऐसा कारण होता है। हु वॉज द फर्स्ट रशियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब ये कौन सा ऐसा पहला राष्ट्रपति है रशिया का जो इंडिया विजिट किया था, तो वह हमारे निकोलाई बुल्गानिन। हाउ मेनी सेशन ऑफ लोकसभा नॉर्मली हेल्ड इन ए ईयर, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में देकर बताइएगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, और आप एक बार हमें कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाय द अहोम डायनेस्टी, ये कौन सा है राज जहाँ पे अहोम डायनेस्टी ने राज किया था, तो राज्य हमारा असम, ठीक है, क्या है असम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन श्रीलंका, ये बताइए श्रीलंका का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो है माउंट पेड्रो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट नवाब ऑफ अवध, बताइए अवध का सबसे लास्ट नवाब कौन था, तो वो थे वाजिद अली शाह। विल्सन डिजीज इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर इन विच एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डैश, बताइए क्या एक्सेसिव अमाउंट में आ जाएगा, तो ये बीमारी होने का खतरा है हमारे अंदर, कौन सा डिजीज है वो, तो डिजीज है हमारा कॉपर। डैश वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, बताइए हमारे सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के कौन है, तो हैं सुकुमार सेन जी थे। द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द सन इज डैश टाइम द डायमीटर ऑफ द अर्थ, बताइए अप्रोक्सीमेट डायमीटर कितना है सन का अर्थ से, तो 109 टाइम है डायमीटर ऑफ द अर्थ। नेम द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, देखिए वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन है भारत का, तो है गहुर मोटा। नेम द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, बताइए सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है हमारे भारत का, तो है माहे। वाट वॉज द हिस्टोरिकल नेम ऑफ द सिटी ऑफ गुवाहाटी, एक असम का राजधानी है गुवाहाटी, तो पूछ रहा है कि उसका प्राचीन नाम क्या था, यह था प्रयाग ज्योतिषपुर। नेम द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया बिल्ट बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सो बताइए सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट कौन है जो कि ब्रिटिश के राज्य में बना था और ब्रिटिश बनवाए थे, तो पोर्ट है हमारा कोलकाता पोर्ट।
The Khadi and Village Industry Commission Act was passed in the year. पता ये कब पास हुआ था ये एक्ट? ये पास हुआ था 1956 में. During the Sao Jao festival, Goans present dash to each other. ये किसके लिए था ये? ये था फ्रूट. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act was passed in the year. ये पूछ रहा है MSME जो है ये कौन से साल इसका एक्ट पास हुआ था? वो साल है हमारा 2006 में. डैश इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. देखिए आप सोचिए कि मरकरी सबसे नज़दीक है वो हॉटेस्ट होगा. नहीं, सबसे हॉटेस्ट जो है वेनस है, क्योंकि उसका एक रिंग ऐसा स्ट्रक्चर रहता है इसके वजह से. तो वेनस. द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर विच एंडेड द पोर्तुगीज रूल इन इंडिया वाज साइन ऑन. ये किस दिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर नामक के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था कि अब पोर्तुगीज अब यहाँ से जाने वाले हैं, मतलब यहाँ से वो चले गए थे, मतलब. तो कब हुआ था? 1961 में, जो कि गोवा में थे. गोवा से इनको वहाँ से फिर हटाया गया था. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मे दाम मे फी द फेस्टिवल ऑफ एंसेस्टर वर्शिप. तो कहाँ का है ये? तो यह है असम का. विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1772. देखिए आपको 1772 में पता रहेगा कौन था, तो आपको इतना सोचने का ज़रूरत भी नहीं है. तो कौन थे वो? तो वारन हेस्टिंग. इन विच ईयर डिड किंग जॉर्ज फाइव एज्यूम द क्राउन ऑफ इंडिया. बताइए कौन से साल? तो वो साल था 1911. इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट एवर मोशन टू रिमूव ए सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साइंड बाई 108 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. बताइए कौन सा ईयर हुआ था? फर्स्ट एवर मोशन टू रिमूव ए सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साइन. देखिए फर्स्ट एवर है भाई, फर्स्ट का है तो उसको याद करना जरूरी है. तो ये कब हुआ था? ये 1991 को. विच ऑफ द फ्लोइंग इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ डैट इज मेड ऑफ प्लेट विच फिट टूगेदर लाइक ए जिक्स ऑफ पजल. कि इतना घुमा फिरा कर पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आउटर लेयर ऑफ द अर्थ क्या है, कौन सा है? तो हमारे लिए तो स्फीयर है. हाउ मैनी पॉलिटीज डज द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ फेडरलिज्म एकोमोडेट. तो कितना है हमारा? 3. द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज रॉक बाय टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉस्ट एक्शन प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड. यही क्वेश्चन हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं कि द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज रॉक, तो उसको क्या बोलते हैं टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से? तो उसको बोलते हैं वेदरिंग. विच मिनरल प्रॉपरली नोन एज ब्यूरिट सनशाइन, किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं हमारे कोल को. विच कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जामिन इशू रिलेटेड टू सेंट्रल स्टेट रिलेशन. देखिए कौन सा कमीशन नियुक्त किया गया है केंद्र और राज्य के बीच को सॉल्व करने के लिए? जो भी दोनों के बीच में इशू होता है, तो कौन सा कमीशन है? वो सरकारिया कमीशन है. द पाउच कनेक्टेड टू द जंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड. देखिए पाउच कनेक्टेड रहता है दोनों के बीच में, लार्ज और स्मॉल के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैकम. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सब्जेक्ट ऑफ लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री इज इंक्लूडेड. बताइए कौन से लिस्ट में रखा गया है इनको? स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, या रेसिडुअरी लिस्ट में? तो ये है स्टेट लिस्ट में इनको रखा गया है. विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इन प्योर फॉर्म हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. बताइए इसमें से बताना है कि सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? तो किसका है हमारा? टंगस्टन का.
ट्रीटी ऑफ सलबाई साइन इन द ईयर, कौन से साल में ट्रीटी ऑफ सलबाई साइन हुआ था? तो साइन हुआ था 1782 में। ज्ञानपीठ अवार्ड, वन ऑफ इंडिया हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड वाज कंसीव्ड इन द ईयर, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार कब कौन से साल से देना स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था हमारा 1961 से। हु रूल मैसूर अंडर ए सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश आफ्टर द डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान एट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ये कौन रूल किया था मैसूर को? तो आपको याद होगा तो बस यही पूछ रहा है कि मैसूर को कौन रूल किया था, तो वो थे वोदिया डायनेस्टी ने रूल किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, यहाँ पे ओ होगा तो क्या होगा? ये होगा कॉन्सील्ड सीड। इन द प्लांट किंगडम फन एंड फन एलाइज बिलोंग टू विच ग्रुप, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है ये प्लांट किंगडम में? तो बिलोंग करता है पेट्रोडोफाइटा में। विच रिवर ट्रिब्यूटरी बाय द नेम ऑफ डीआरआई मथुन तालोन इम्मी अही इमरा एंड अवा, देख रहे हैं ऐसा ऐसा किस किस टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, ये एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जो 2019 में पूछा गया है, क्योंकि हम लोग लाइन से लेके चल रहे हैं ना, हम लोगों ने पीछे भी सीजीएल 2020 और 2019 में जो आया था वो पूरा कवर कर लिए थे टोटल 500 क्वेश्चन में, और उसके आगे हम लोग अब ये सीपीओ का है, फिर सीएचएसएल आएगा, फिर एमटीएस आएगा। तो इसमें से पूछ रहा है कि माथुन तेलोन इमी अही इमरा एंड आवा जो सहायक नदियाँ हैं किसके सहायक नदियाँ हैं? देखिए आपको अगर मथुन ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का प्रजाति है, ठीक है, इस तरीके से अगर याद होगा ये वर्ड तो आपको क्वेश्चन तक पहुँच सकते हैं। तो देखिए कावेरी गोदावरी नहीं होगा, फिर नॉर्थ ईस्ट में हम लोग को जाना है, तो ईस्ट लिस्ट में बचा दो ठो तो लोहित और दिवांग में, तो ये हमारा हो जाएगा दिवांग। द फिजिक्स फिनोमिनन व्हेन इन पोलर रीजन लाइक अलास्का एंड नॉर्दर्न कनाडा ए स्प्लेंडेड डिस्प्ले ऑफ कलर इज सीन इन द स्काई इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इस चीज को? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। विच मसल इन द स्किन कॉन्ट्रैक्ट टू मेक द हेयर ऑन आवर स्किन स्टैंड अप स्ट्रेट गूज बम, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं वेन वी आर कोल्ड और फ्राइटेंड, मतलब किसी ठंडे में जैसे हम लोग को जो गूज बम नहीं रोंगटा जिसको बोलते हैं खड़ा हो जाना, तो कौन से मसल के वजह से होता है? तो वो होता है हमारा एरेक्टर पीली एक मसल से उसके वजह से। द नेरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर व्हेन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड द, ये तो पढ़ने से ही आपको पता चल गया होगा इसका क्या हो सकता है, तो क्या होगा? बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर रिजर्व जो हम लोग बनाते हैं सबके लिए। इन विच ईयर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया, द ये नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था भारत में? देखिए ये सब क्वेश्चन अगर आप एक बार सुन भी लीजिएगा ना तो आपको ऑप्शन से आप अंदाजा लगा फिर आगे चल के लगा सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आया तो। तो देखिए नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 2004 में। आप इसको एक बार अगर इसको देख लिए तो आपके दिमाग में ये कहीं ना कहीं आप आंसर तक पहुँच जाइएगा, टेंशन मत लीजिए, बस आपको एक बार देखना है। विच केमिकल लॉ प्रोसेस डेट सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, बताइए कौन से लॉ की वजह से ये होता है? देखिए ये सब हम लोग सब दिनचर्या में हम लोग देखते हैं कि ये सॉफ्ट ड्रिंक है सोडा बॉटल है, तो बस उसमें अब कौन सा लॉ लग रहा है किस फेनोमेना पे बेस्ड है, बस वो चीज़ को हम लोग को देखते रहना है, बस प्रैक्टिकली सोचते रहिए एकदम नॉर्मल वे में क्या हाँ तो फिर क्या होगा, तो हमारा इसका आंसर कौन सा लॉ लग रहा है वहाँ पे? तो लग रहा है हमारा हेनरी लॉ। द हेमी सीचू फेस्टिवल कॉमरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, किसके बर्थ एनिवर्सरी पर ये मनाया जाता है ये फेस्टिवल? हेमिस सेचू।
देखिए ऑप्शन से आपको पता चलेगा, गौतम बुद्धा, दलाई लामा, आदि शंकराचार्य, ये सब नहीं होगा तो कौन होगा? गुरु पद्मसंभव। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कैटेगराइज एज ए सॉल्यूशन, देखिए कौन सा इसमें एक सॉल्यूशन है, तो कौन सा है? बहुत इजी है, तो हमारा है सी वाटर। अली आई लिगांग स्प्रिंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, देखिए किस किस टाइप से क्वेश्चन है। अली आई लिगांग, तो बताइए कौन से फेस्टिवल है? बस देखिए बस दिमाग में बस खाली बस ये सब क्वेश्चन को है जो बस दिमाग में रखे रहिए कि ऐसा ऐसा भी होता है कि ऐसा फेस्टिवल, अली लिगांग, बस नाम कुछ करके बस रिलेट कर लीजिए। जो आपको याद है वो तो याद है ही, जो याद नहीं है उसी को तो याद करना है ना मेन, तो जो आपको याद नहीं है तो उसी को याद करने का प्रैक्टिस कीजिए। कैसे अब उसको याद करें, पीछे वाली चीज़ को फिर याद करने से क्या मतलब, फिर जीके तो आपको वहीं रह जाएगा, फिर वहीं का वहीं है। जो नहीं आ रहा वो याद करते रहिए, जो नया दिख रहा है याद करते रहिए। अली आई लिगांग असम में है। लेसाला पतू इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट, बताइए। अब ये सब देख रहे हैं किस किस टाइप से आता है, इतना तो ये हमारा गोवा का। हु बिकम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान इन 1756, बताइए अली वर्दी खान के डेथ के बाद अवध का नवाब कौन बना था? तो बने थे सिराजुद्दौला। विच मिनरल इज ऑल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड, गोल्ड किसको हम लोग फूल्स गोल्ड भी बोलेंगे, मतलब नकली सोना, तो बोलेंगे पायराइट को। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड, देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड का प्राइमरी फंक्शन क्या है? क्या है? टू प्रोड्यूस स्वेट। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन सिटी इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बताइए इसमें से कौन सा भारत का शहर है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है? देखिए दो ही है, अभी अभी जयपुर बना है अभी 2019 में, और पहले था अहमदाबाद, याद रखिएगा, दूसरा जयपुर। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट ऑल अथॉरिटी सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये कौन सा आर्टिकल ये अथॉरिटी देता है? ये देता है आर्टिकल नंबर 144। विच सब्टांस कवर द रूट ऑफ द टूथ, ठीक है रूट कौन कवर करता है टूथ का, रूट पूछ रहा है, रूट ये कवर करता है सीमेंटम। ए वाउंड स्टॉप ब्लीडिंग ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन कॉल्ड, बताइए ये हम लोग बायोलॉजी में पढ़े हुए हैं, तो क्या है? कोगुलेशन। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सत्यशोधक समाज, बताइए सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन थे? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कौन थे? ज्योतिबा फुले। देखिए ड्यूरिंग द अकरेंस ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, देखिए ये दोनों में से बताना है कि पहले कौन दिखेगा, तो देखिए लाइटिंग जो होगा, जो लाइट होगा वो पहले दिखेगा, क्योंकि जो लाइट का जो स्पीड होता है वो साउंड के से ज़्यादा होता है, तो इसीलिए पहले हम लोग को लाइट दिखता है, यही रीजन है। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्राइब्स बिलोंग टू सिक्किम, कौन सा ट्राइब जो है सिक्किम को बिलोंग करता है? तो वो हमारा भूटिया। द हेमिस नेशनल पार्क लोकेटेड इन, बताइए हेमिस नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड हमारा लद्दाख में। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट क्वेश्चन फॉर ओरल आंसर एडमिटेड फॉर डिस्कशन ऑन ए पार्टिकुलरली डे इन द लोकसभा, देखिए ये सब क्वेश्चन जानना जरूरी है, तो क्या होगा हमारा आंसर? तो होगा 20। द पावर टू इंक्वायर
into and decide all doubts and disputes arising out of the election of the president is vested in the. बताइए, जो भी राष्ट्रपति के इलेक्शन से कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी डाउट हो, तो ये पावर किसके पास है उसको डिसाइड करने का, मतलब जो देख रेख करता है, तो वो है सुप्रीम कोर्ट के पास राष्ट्रपति के इलेक्शन के टाइम. इन विच स्टेट इज़ द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकोटाडा सिचुएटेड? तो कहाँ का है ये? ये हमारा गुजरात का है. विच किंग इंस्क्राइब द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इन उदयगिरी हिल्स उड़ीसा? भाई कौन से राजा बनवाए थे? वो राजा थे हमारे खारवेल. इन विच स्टेट पोनुंग अंगंग फॉक डांस प्रैक्टिस? क्या है नाम भी इसका, देख रहे हैं कैसा है. पोनुंग, बताइए पोनुंग फोक डांस कहाँ पे हुआ था भाई, कहाँ होता है बताइए, कहाँ होगा पोनुंग फोक डांस? तो ये होता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में. व्हाट इज जादूगोड़ा नॉन फॉर? ठीक है, जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है? ये क्वेश्चन हम लोग जिन्होंने ज्योग्राफी में भी देखा था, तो किसके लिए ये जाना जाता है? तो ये जाना जाता है यूरेनियम डिपॉजिट के लिए, और ये है कहाँ पे? झारखंड में है. व्हाट विल हैपन इफ ए ग्लास इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर सील्ड विथ ए लिड एंड पुट इनटू फ्रीजर? तो देखिए क्या होगा इसका, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख लिया है कि डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए. तो इवेंचुअली द आइस विल बर्स्ट द ग्लास बॉटल. ठीक है, एज पर द डाटा रिलीज्ड बाय द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर द ईयर 2016, व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टलिटी रेट इन इंडिया? ये बताइए 2016 के डाटा के अनुसार, बताइए तो कितना है? 34 पर 1000 लीव बर्थ. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल में नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन ए स्टेट हैविंग ए पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग, देखिए कितना से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, तो हमारा 20 लाख से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए. विच प्रोटीन प्रोटेक्ट्स द इपिथेलियल सेल्स फ्रॉम डैमेज? एक इपिथेलियल सेल फ्रॉम डैमेज कौन सा प्रोटीन प्रोटेक्ट करता है? प्रोटीन हमारा केराटीन. देखिए इसका भी आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए. द फंक्शन ऑफ रेटिना, देखिए रेटिना का क्या काम है? प्रोसेस द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय फोटोरिसेप्टर सेल एंड सेंड इन टू द ब्रेन टू डिसाइड व्हाट द पिक्चर इज. ठीक है, समझ गए. इन विच स्टेट इज द मदाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? देखिए मदाई फेस्टिवल अब कहाँ सेलिब्रेट होगा, तो कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में. ये कुछ ये सब याद ही कर लीजिए. Which among the following is not one of the three parallel range of Himalayas in its longitudinal extent? बताना है कि आपको उसमें कौन सा ऑड दिख रहा है आपको, बताइए जो पैरेलल नहीं है. देखिए हिमाचल है, शिवालिक है, हिमाद्री है, हिम शिक्षा कुछ है ही नहीं. The term Ask Aryan effect is associated with which functional area of science? देखिए ये इफेक्ट कौन से, जो हमारे साइंस का जो ब्रांच है कौन से पार्ट में बिलोंग करेगा? तो ये हमारे फिजिक्स में. द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय फॉर द फर्स्ट टाइम इन, देखिए गवर्नर जनरल से वायसराय कौन से साल बदला गया था, कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं, भारत नहीं होगा, अब वायसराय होगा. ठीक है, तो कब बदला गया था? तो 1858 में. The process of transformation of a substance in a gaseous state into liquid state due to change in pressure or temperature of the substance is called. ये डायरेक्ट डिफिनेशन है ये, तो क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं कंडेंसेशन. Which of the following style of painting belong to महाराष्ट्र? देखिए आपको ऑप्शन से पता चलेगा, महाराष्ट्र तो वर्ली का नाम सुने होंगे आप,
महाराष्ट्र में, फिल्म विलिम में भी बहुत बार आप सुने होंगे। नेम द फेमस इंडियन पेंटर हु वाज ऑनर्ड विद द केसरे हिंद गोल्ड मेडल बाय द ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कौन सा ऐसा फेमस पेंटर था जिसको लॉर्ड कर्जन ने केसरे हिंद से सम्मानित किया था और गोल्ड मेडल प्रस्तुत किया था? तो कौन थे वो हमारे, देखिए इसको याद रखिएगा, पेंटर का नाम आए तो राजा रवि वर्मा। मैसूरी पेटा इज अ ट्रेडिशनल अटायर वर्न ऑन द, बताइए मैसूरी पेटा जो है ये एक ट्रेडिशनल अटायर है, मतलब कुछ पहनने का चीज़ है, मतलब तो ये को कहाँ पे पहना जाता है? तो इसको पहना जाता है हेड पर, सर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस ए कोड विच प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बताइए कौन था, कौन था उस टाइम गवर्नर जनरल जो करवा रहा था? तो वो था लॉर्ड कार्निवलिस। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर क्लोरीन इन ब्लीचिंग, बताइए कौन सा यूज होता है क्लोरीन के साथ ब्लीचिंग में? वह हाइड्रोजन पेरोक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात, बताइए। एक तो गुजरात का फेमस पोर्ट है कांडला, अब इसमें पूछ रहा है कि कौन अब इसमें चारों में लोकेटेड नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? दीघी पोर्ट नहीं है। देखिए सिक्का पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, देखिए मुंद्रा पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो मुंद्रा पोर्ट जो है गुजरात में है, मुंद्रा पोर्ट, ठीक है, मोदी से भी याद रखिएगा, मुंद्रा से मोदी, मोदी जी हमने। मयूरी इज ए ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ, भैया माहौरी कहाँ का ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ये? ये केरला का। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड, बताइए कौन सा आर्टिकल हमें ये बताता है? आर्टिकल 15। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, ये सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? देखिए ऑयल सीड के लिए येलो रिवॉल्यूशन, जूट के लिए ब्राउन रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो ये किसके लिए है? कॉटन के लिए है, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन के लिए था। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ, देखिए कौन से शहर से जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है वो जाता है? ये लोग हम ये भी क्वेश्चन हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं, तो क्या है? मिर्जापुर इलाहाबाद के पास है। द नेम ऑफ UTI बैंक वाज चेंज टू डैश इन 2007, तो कौन सा नाम बदला गया UTI बैंक से? तो वो थे हमारे एक्सिस बैंक। विच पार्टी गवर्नमेंट अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ ए बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1978, ये कौन सा गवर्नमेंट अनाउंस किया था? तो वो था जनता पार्टी। ब्लू जे और इंडियन रोलर इज स्टेट बर्ड ऑफ हाउ मेनी स्टेट, देखिए ब्लू जे और इंडियन रोलर इज द स्टेट बर्ड ऑफ हाउ मेनी स्टेट, बताइए कितने स्टेट के ये स्टेट बर्ड है? ये तो वो चार स्टेट के हैं। द अपर पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक इज प्रोवाइडेड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? तो बोलेंगे सीलिया। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस काउजेज एक्सप्लोजन इन कोल माइन, तो ये कोल माइन में कौन गैस जिम्मेदार है एक्सप्लोजन में? तो कौन है? मिथेन गैस। पीन वैली नेशनल पार्क इज, देखिए पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है। भवई इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट, तो ये कहाँ का फोक डांस है भवई? तो कहाँ का है ये? हम लोगों ने कल भी इसके पढ़ा था के बारे में, तो राजस्थान में है, याद रखिएगा भवई डांस राजस्थान। हु
इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन। देखिए फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन कौन है, देखिए जो वर्गीस कुरियन है ये फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन है, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन ये ग्रीन रिवॉल्यूशन है, तो ब्लू रिवॉल्यूशन के लिए कौन हुए, तो वो हैं हीरालाल चौरसिया जी ब्लू रिवॉल्यूशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन, देखिए कौन से शहर में बताना है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं है, देखिए राउरभाटा में है, नरोरा में है, कलपक्कम में है, रामागुंडम में नहीं है, तो रामागुंडम हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिल्ट बाय राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, मतलब राष्ट्रकूट के जो थे, तो सब बोलने बोल रहा है कि कौन सा टेम्पल बनाए थे राष्ट्रकूट वट के राजा लोग ने, तो बनाया था कैलाश टेम्पल। डैश इज द स्टडी ऑफ एंशियंट प्लांट लाइक मोसेस डेट ग्रो इन मॉइस्ट ह्यूमिड गवर्नमेंट, तो कौन से स्टडी को बोलते हैं ये, तो ये बोलते हैं बायरोलॉजी को। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज का सिफारिश कौन सा कमेटी किया था, तो कमेटी था स्वर्ण सिंह कमेटी। देखिए अन्ना राजा मल्होत्रा हु डाई इन 2018, ठीक है 2018 में जो जिनका डेथ हुआ था, तो बताना है कि वो कौन थी पहला, देखिए वो थी पहली फर्स्ट फीमेल इंडियन आईएएस ऑफिसर थी। विच ऑफ द फ्लोइंग रीड्स प्रोवाइड ए रिमेडी फॉर ए पर्सन हु हैज बीन अनलॉफुली हेल्ड इन ए प्रिजन, तो क्या होगा हमारा आंसर, हैबियस कॉर्पस। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट, देखिए बताना इसमें सबको इनकरेक्ट कौन सा है, देखिए ये इटली में है, ये जॉर्डन में है, ये पेरू में है, ये जो है ये गलत है, ठीक है तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा। दरगाह ऑफ शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इज लोकेटेड इन, ये कहाँ पे लोकेटेड है इनका मकबरा, तो लोकेटेड है दिल्ली में। हु अमंग द फ्लोइंग बिकम द कंट्री वाइस प्रेसिडेंट ट्वाइस, कौन से थे जो दो बार वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किश्तवाड़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, तो कहाँ है बताइए, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर में। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग बेलगांव समिट ऑफ कांग्रेस इन 1924, देखिए बेलगांव मतलब जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव में 1924 में, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे प्रेसिडेंट, तो देखिए ये एक ही बार बने हैं बस, कौन थे, मोहनदास करमचंद गांधी। विथ रेफरेंस टू द स्टील प्लांट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, देखिए आपको करेक्ट बताना है, देखिए दुर्गापुर आपको पता है उड़ीसा में नहीं है, वेस्ट बंगाल में है, ये राउरकेला देखिए उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल दे दिया, बोकारो देखिए बिहार में नहीं झारखंड में है, बचा कौन एक ही है, तो सालेम जो है ये तमिलनाडु में है। फिस्कल पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय डैश इन इंडिया, देखिए फिस्कल पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है, तो ये करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री। मोगा सिल्क इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, ये मोगा सिल्क कौन से राज्य का है, ये तो ये है असम का। आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर, किस चीज़ के लिए आइंस्टाइन जी को नोबेल प्राइज मिला था, तो मिला था थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ग्रेफिन इज ए, ग्रेफिन क्या है, यह है एलोट्रॉप है कार्बन का। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज काउज्ड बाय वायरस, बताइए वायरस से कौन सा डिजीज होता है, देखिए टेटनस होता है बैक्टीरिया से, लेप्रेसी बैक्टीरिया से, मलेरिया प्रोटोजोआ से, सब हम लोग पढ़े हुए हैं बायोलॉजी में, तो बचा कौन रूबेला, तो ये हमारा वायरस है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज रेफरेंस ऑफ इंडियन डांस फॉर्म फाउंड, क्या होगा, नृत्य शास्त्र। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड, तो ये किस दिन हमारा राष्ट्रीय झंडा जो है हमारा वो अडॉप्ट किया गया था,
तो किया गया था 22 जुलाई 1947 को। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ उड़ीसा, देखिए बताइए। देखिए आपको ऑप्शन देखिए अभी पढ़े होंगे, देखिए वर्ली कहाँ का था, महाराष्ट्र का। मधुबनी ये कहाँ का था, बिहार का है। अब देखिए बचा दो, अब ये दोनों में सबको दिमाग लगाना है। तो इसी तरीके से आप ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आप एक चीज बार देख लीजिएगा। तो देखिए उड़ीसा का है, तो उड़ीसा का पत्तचित्र ये है, पत्तचित्र। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंशियंट बुक रिटन बाय बानभट, कौन सा किताब लिखे हैं बानभट जी ने, तो लिखे हैं कादम्बरी। हाउ मेनी डिजिट आर देयर ऑन डेबिट कार्ड, बताइए डेबिट कार्ड पर कितने डिजिट रहते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, बताइए क्या होगा, सबको पता होगा ये चीज, तो क्या होगा 16। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इज डिक्लेयर एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, बताइए कौन से आर्टिकल में बोला गया है कि हिंदी हमारा जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो देखिए आर्टिकल है 343। हु अमॉन्ग द फ्लोइंग प्रेजेंटेड द यूनियन बजट ऑफ इंडिया फॉर मैक्सिमम टाइम, बताइए कौन है वो जो यूनियन बजट को बजट जो है मैक्सिमम टाइम पेश किए हैं। जैसे भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने फरवरी में बजट पेश किया था, तो उसी प्रकार सबसे ज़्यादा बजट कौन पेश किया है, तो मोरारजी देसाई जी ने। विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनिल कॉन्टेंट डीएनए अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस, कौन है, तो है माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट फाउंड इन वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, देखिए कौन सा ऐसा एलिमेंट अगर पानी में पाया जाएगा तो कैंसर होने की संभावना है, तो वह हमारा आर्सेनिक। धनसिरी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर, बताइए धनसिरी किसके सहायक नदी है, बताइए। देखिए धनसिरी, धन और ब्रह्मा जी, एक धन की देवी और एक ब्रह्मपुत्र, तो धनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र का है। कजरी फोक डांस रिलेटेड विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, कजरी फोक डांस सुने होंगे आप लोग, यूपी का फेमस फोक डांस है ये कजरी, ठीक है। ये देखिए अब क्या पूछ रहा है, रानी की वाव मोटिव प्रेजेंट ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग करेंसी नोट, देखिए रानी का जो वाव है आपके जो कौन से नोट के पीछे छपा रहता है, जो नए नोट अभी जो हमारा है, तो वही पूछ रहा है कि कौन से नोट के पीछे छपा रहता है। तो ये हमारा छपा रहता है 100 रुपये के नोट के पीछे, ठीक है। 200 रुपये के नोट के पीछे कौन छपा रहता है, सांची स्तूप का। 2000 के नोट के पीछे मंगलयान का। 500 के नोट के पीछे इंडिया गेट का, ठीक है। और 50 रुपये के नोट के पीछे हम्पी का, ये सब याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग आयन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर, देखिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है पानी को हार्डनेस बनाने में, तो वो है हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। When did the non-cooperation movement end? ये कब समाप्त हुआ था non-cooperation movement? तो हुआ था 1922 को। The concept of four noble truth belong to which of the following religion? बताइए four noble truth जो concept था कौन से religion के लिए था, ये तो ये था Buddhism। Who among the following has द पावर टू प्रोमुकलेट ऑर्डिनेंस, उसके पास पावर है, तो है प्रेसिडेंट जी के पास। इक्वस कैवेलस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, देखिए ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है, तो वो कौन है हमारा, तो है हॉर्स। हु वाज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट इन इंडिया, देखिए अभी हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन ही है जितना भी पीछे है प्रीवियस ईयर में, सारा का सारा इसी टाइप का क्वेश्चन। तो क्या है, कौन थे, तो वो थे बहादुर शाह द्वितीय। इन विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बेस्टाइल डे इज सेलिब्रेटेड, देखिए बेस्टाइल डे कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो होता है हमारा पुद्दुचेरी में।
हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक थॉट्स ऑन पाकिस्तान? बताइए कौन लिखा है ये किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान, जिन्होंने हमारा संविधान निर्माण किया है? कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज मेन प्रोड्यूसर ऑफ क्रोमाइट? बताइए क्रोमाइट का सबसे उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य हमारा उड़ीसा। व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस? बताइए। देखिए अगर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा तो सेम साइज बनेगा, लेकिन वो तो पूछ नहीं रहा, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ख़त्म हो जाएगा। तो पूछ रहा है फोल ऑन पोल एंड फोकस, और देखिए ये डिमिनिस बनता नहीं है, तो ये इनलार्ज इनलार्ज बनेगा, तो इनलार्ज। वेयर वाज गुरु नानक देव बॉर्न? अरे गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो हुआ था तलवंडी में। इन विच ईयर डिड द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया? कि कब पास हुआ था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट? तो ये पास हुआ था 2013 में। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउस इन द स्टेट? तो ये कौन सा ऐसा स्टेट है? तो है तमिलनाडु। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस काउज रेंसिडिटी इन फूड प्रोडक्ट? बताइए कौन होता है ये? इसका आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अमीबा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? बताइए कहाँ बिलोंग करता है अमीबा? ये बिलोंग करता है प्रोटिस्टा में। द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन? देखिए बेबीलोन पूछ रहा है आपको कि कहाँ पे है, तो मेसोपोटामिया। विच डायनेस्टी हैड डेवलप्ड द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट इन एंशिएंट इंडिया? ये तो सबको पता होगा, तो कौन थे? कुषाण डायनेस्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिफ इज प्रेजेंट ऑन 2000 रुपी नोट? देखिए 2000 रुपी नीचे पे कौन सा नोट रहता है? तो रहता है मंगलयान। हु वॉज अपॉइंटेड एज असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इन 1946 ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए वहाँ क्या पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किसे रखा गया था, किसे नियुक्त किया गया था, ठीक है, जब संविधान जब तैयार हो रहा था, ठीक है ना? तो वो थे बी एन राव जी। वेयर इज हेड क्वार्टर ऑफ अलाहाबाद बैंक सिचुएटेड? देखिए आपको लगेगा कि ये अलाहाबाद में होगा तो अलाहाबाद में ये होगा, लेकिन ये इलाहाबाद में नहीं है। इसीलिए जो एग्जाम वाला होता है वो पूरा क्वेश्चन को घुमा फिरा के देता है। तो पूछ रहा है कि अब बताइए अलाहाबाद बैंक का कहाँ पे हेडक्वार्टर है? तो ये कहाँ पे है? कोलकाता में है इसका हेडक्वार्टर, अलाहाबाद में नहीं है। वाट वाज स्वामी विवेकानंद गुरु? कौन थे स्वामी विवेकानंद के गुरु? कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, ठीक है। When was National Anthem adopted in its Hindi version? देखिए National Anthem को कब adopt किया गया था हिंदी version में? तो adopt किया था 24 जनवरी 1950 को। Who introduced चार बाग style of architecture in India? बताइए चार बाग style of architecture कौन introduce करके गया था? बताइए क्या होगा? तो थे मुगल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन ऑफ नॉर्थन प्लेन इज द मोस्ट फर्टाइल? देखिए एलुविलियल सबसे फर्टाइल है, देखिए नॉर्थन प्लेन में, तो उसी में पूछ रहा है कि तो एलुविलियल का ये दो पार्ट है खादर और भावर, तो उसमें से पूछ रहा है कि अब खादर और भावर में कौन सा सबसे ज़्यादा फर्टाइल है वहाँ पे, तो कौन सा है? खादर है, और इसको न्यू एलुविलियल सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है, और भावर को ओल्ड एलुविलियल सॉइल। कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन विच स्टेट? बताइए कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में। द हाई कोर्ट ऑफ केरला एंड लक्षद्वीप इज सिचुएटेड एट? देखिए हाई कोर्ट जो है केरला का और लक्षद्वीप का, जो कि हमारा यूनियन टेरेटरी है, जो कि अरेबियन सी में बसा हुआ है,
तो उसका बताइए कि अब कहाँ पे अब उसका हाई कोर्ट है, तो वो है एर्नाकुलम में। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री वॉज द अर्लीस्ट टू गिव द वोमेन द राइट टू वोट, ठीक है, कौन सा कंट्री है जो सबसे बाद में जाके वहाँ के महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, तो कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया। द सब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स कम अंडर विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए सब जो सब्जेक्ट है स्पोर्ट वो कौन से लिस्ट के अंदर आता है, तो हमारा स्टेट लिस्ट है। सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द हरिपुरा कांग्रेस सेशन इन, ये सुभाष चंद्र बोस कब बने थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, तो 1938 में। हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, तो कौन रहते हैं, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सॉरी क्या है पॉपुलेशन कंट्रोल, नरे मेरे को लगा पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बताइए क्या होगा, तो वो है प्राइम मिनिस्टर जी। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस आर नॉट करेक्टली मैच विद देयर लोकेशन, देखिए जो 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 जिला पास जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, नाथुला देखिए सिक्किम में है, ठीक है, सिप किला जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, यहाँ पे कौन है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे है बुमला दर्रा, ठीक है, और शिव किला हिमाचल प्रदेश में, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, और ये माना पास उत्तराखंड में है, कि इसका ट्रिक है कि हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में, तो मालिनी जितना मालिनी का है ना, मौ लौ नी जितना भी है, तो माँ से ये माना पास है, फिर उसी के फिर लास्ट से फिर एक और है, फिर एक नी से है, तो अब ऑप्शन देखेंगे तो पता चल जाएगा, तो शिव किला ये हिमाचल से है, ठीक है। रोटा वायरस वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट विच डिजीज, तो ये रोटा वायरस जो है कौन से डिजीज के लिए है, ये पोलियो। टाइगर बिलोंग टू विच कैटेगरी अंडर IUCN, तो ये टाइगर कौन से कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, तो ये बिलोंग करता है इन डेंजर कैटेगरी में। फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज सेटअप इन विच सिटी, तो ये पहला कॉटन मिल कहाँ पे खुला था इंडिया में, तो खुला था बॉम्बे में। इन विच कंट्री इज हम्बन तोता पोर्ट सिचुएटेड, तो ये हम्बन तोता पोर्ट कहाँ सिचुएटेड है, तो सिचुएटेड श्रीलंका में। हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर डज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैव, कितने नॉन परमानेंट मेंबर हैं यूएन में, देखिए 5 अस्थाई हैं और जो 10 हैं वो बदलते रहते हैं, तो 10। अंडमान एंड निकोबार जुरिस्डिक्शन कम अंडर विच हाई कोर्ट, ठीक है, जैसे उधर उसका था लक्षद्वीप और केरला का तो एर्नाकुलम में आता है, तो अंडमान निकोबार का कहाँ पे आएगा, तो ये आएगा हमारा कलकत्ता में। बब अल मनेब स्ट्रेट कनेक्ट विच वाटर बॉडी, तो ये कौन सा वाटर बॉडी कनेक्ट करता है, ये तो ये कनेक्ट करता है रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। वाट इज द नेशनल गेम ऑफ USA, USA का नेशनल गेम क्या है, वह है बेसबॉल। वाट वॉज नाउन एज कैलिको डूरिंग प्री इंपीरियलिज्म पीरियड, तो कैलिको क्या था, एक कॉटन था। विच इज द रीजनल म्यूजिक ऑफ गोवा, गोवा का रीजनल म्यूजिक कौन सा है, वह है मांडो, या मांडवी नदी भी है इसीलिए मांडो पड़ा है। एट वाट pH वैल्यू टूथ स्टार्ट टू डिके, कितने pH वैल्यू पे, तो 5.5। विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, तो इसमें से स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस कौन सा है, तो है हमारा इस्टर। विच ऑफ द फ्लोइंग बुक इज रिटन बाय वारहमीरा, तो कौन सा बुक लिखे हैं वारहमीरा जी ने, तो लिखे हैं वृत्त संहिता। Which of the following became a union territory of India in 1954 after about 280 year of French rule? तो क्या आपको पता होगा अगर French rule कहाँ पे था, तो इसका आंसर आप पहुँच सकते हैं आसानी से, तो क्या होगा पुद्दुचेरी। How many languages are there on language panel of Indian currency note?
उस पर कितना नोट लिखा रहता है, कितना लैंग्वेज लिखा रहता है, कई जो नोट रहता है इंडियन करेंसी का, देखिएगा कभी नोट के पीछे गिन के तो कितना रहता है, 15 रहता है। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन हाइड्रा, बताइए कौन सा, तो इसमें होता है बडिंग। रेड पांडा इज ए स्टेट एनिमल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, बताइए रेड पांडा कहाँ का स्टेट एनिमल, तो यह सिक्किम का। विच ऑफ द फ्लोइंग गेम इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया, बताइए कौन सा गेम है जो भारत में ओरिजिनेट हुआ है, तो है चेस। हु अमंग द फ्लोइंग कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई फर्स्ट, बताइए कौन था ऐसा सबसे जो वैल्यू ऑफ पाई का वैल्यू निकाला, जो 3.14 जो वैल्यू है, तो ये थे बुद्धियाना। विच ऑफ द फ्लोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ए रीड इंस्ट्रूमेंट, बताइए रीड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो है सहनाई। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस, देख कहाँ पे लेता है डाइजेशन पूरा, तो ये लेता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन हिट अनदर मेटल बिकॉज दे आर, बताइए क्या होगा, बिकॉज दे आर सोनोरस। हु इज नोन एज फादर ऑफ सर्जरी, बताइए फादर ऑफ सर्जरी कौन है, अब कौन है बताइए, तो ये हमारे सुश्रुता जी। विच ऑफ द फॉलोइंग पपेट डांस इज परफॉर्म्ड इन उड़ीसा, बताइए कौन सा है पपेट डांस, इसका आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए तीन क्वेश्चन हम हर बार हम हर वीडियो में देते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। तो ये आज का तीसरा प्रश्न खत्म हो गया, आगे आगे बढ़ते हैं। द जी एच ओ इज द ट्रेडिशनल एंड नेशनल ड्रेस फॉर मैन इन, ये कहाँ का है जी एच ओ, तो यह भूटान का। ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग आइलैंड इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो इज सिचुएटेड, देखिए इंडिया का एक ही एक्टिव वोल्केनो है, कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है बैरन आइलैंड में। डैश इज द हाइएस्ट ग्रेंट्री अवार्ड फॉर ऑफिसर एंड अदर इनलिस्टेड पर्सनल ऑफ ऑल मिलिट्री ब्रांचेज ऑफ इंडिया, देखिए सबसे हाइएस्ट ग्रेंट्री ऑफिसर अवार्ड कौन सा है, तो है परमवीर चक्र। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इज बोरो फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, बताइए बताइए क्या होगा इसका आंसर, कहाँ से लिया गया था प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, दिया गया था फ्रांस से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड, बताइए कौन सा है इसमें से, तो है प्रोटोजोआ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द मोटिफ ऑफ सांची स्तूप, देखिए सांची स्तूप कौन से नोट के पीछे रहता है, तो यह 200 रुपये नोट के पीछे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन विच सिटी, देख कौन सी सिटी में, ये हमारा शंघाई में। व्हाट इज क्रिप्टो जेम्स, तो क्रिप्टो जेम्स क्या है, यह नन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए द रेशियो ऑफ लेंथ टू द हाइट ऑफ द नेशनल फ्लैग सेल वी, क्या रेशियो है, तो रेशियो 3:2। इंडियन फॉरेन रिजर्व डज नॉट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या नहीं करता है, कार्बन बॉन्ड्स। नेशनल वाटरवे नंबर 2 इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, बताइए कौन से रिवर पे है लोकेटेड, लोकेटेड है ब्रह्मपुत्रा पे। द सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल टू द ट्राइबल एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, बताइए जो हमारे 6वें अनुसूची में जो है इसके बारे में दिया है, अगर आपको पढ़ना होगा तो आप एक बार, तो भी तो पॉलिटी की वीडियो नहीं आई है तो उसमें ये सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा, तो अभी क्लियर कर लीजिए क्या होगा, मणिपुर। 1 pound इज इक्वल टू कितना आउंस होता है, बताइए तो कितना होता है,
होता है हमारा 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, तो कौन सा फीचर नहीं है, तो यह है क्लोरोप्लास्ट सेंटिन प्लांट सेल. द वर्ल्ड फेमस बोरोबुदुर टेम्पल इज सिचुएटेड इन, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये बोरोबुदुर टेम्पल तो सिचुएटेड है इंडोनेशिया में. जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग गुड और सर्विस, जीएसटी किस पे एप्लीकेबल नहीं है, तो ये हमारा अल्कोहल. विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन रूल वॉज डिफिटेड बाय मोहम्मद गजनी इन फर्स्ट इन हिज फर्स्ट अटैक इन द ईयर 1000 AD. देखिए जब पहली बार मोहम्मद गजनी हमला करने आया था तो हार गया था, तो उस समय कौन था राजा, तो वह था जयपाल. नील दर्पण वॉज रिटन बाय दीन बंधु मित्र टू पोर्ट्रे द ऑपरेशन फेस्ड बाय पीजेंट टू ग्रो इंडिगो इन, देखिए कहाँ पे ये हो रहा था इस टाइप से, तो बंगाल. मैसनर राम इज लोकेटेड विच ऑफ द हिल्स ऑफ मेघालय, देखिए जो है सबसे ज़्यादा बारिश इसी जगह पे होता है, तो पूछ रहा है कौन से हिल पे लोकेटेड है, तो ये खांसी हिल पे लोकेटेड है. वेन वाज सेंट्रल रूरल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज नोन एज कंट्री ऑफ विंड, बताइए कौन है जो कंट्री ऑफ विंड बोलते हैं, तो हमारा डेनमार्क. खादर इज क्या है, खादर ये एक न्यू एलिवेलियल सॉइल है. विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ हरियाणा, बताइए कौन है. तो है स्वैंग. गारा कटंगा वॉज द किंगडम ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ट्राइब, कौन से ट्राइब में बिलोंग करते हैं, तो गोंड. मिंजार मेला इज पॉपुलर फेयर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, बताइए कहाँ का है ये. ये हमारा हिमाचल प्रदेश का. विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज सप्लाई बाय सॉइल टू प्लांट, तो ये कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट सॉइल के थ्रू प्लांट में जाता है, तो है जिंक. भूटा सॉन्ग बिलोंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट, बताइए कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, ये क्या होगा बताइए, तो बिलोंग करता है केरला से. देखिए ये राज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो हम लोगों ने 672 क्वेश्चन कवर कर लिया है आज, 30 क्वेश्चन और नहीं बन पाया, तो कल की वीडियो में आपको पूरी की पूरी कल ख़त्म ही हो जाएगी, समझ लीजिए कल पूरा का पूरा SSC में जितना क्वेश्चन आया है ये पिछले 2 साल में कल पूरा का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो घबराइए नहीं, तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए. धन्यवाद.